प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर अपने एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। यहां पर मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के साथ विभागीय बैठक भी की। बैठक में मंत्री ने पश्चिमी क्षेत्र में सप्लाई की जा रही बिजली और उपभोक्ताओं की संतुष्टि को लेकर समीक्षा की। मंत्री ने इस दौरान अधिकारियों से किसानों को दी जा रही बिजली और किसानों की समस्या के निदान पर भी बैठक में चर्चा की। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि IDPS घोटाले में कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस घोटाले में जिन अधिकारियों के संलिप्त होने की शंका है उन्हें वहां से हटाया भी गया है। साथ ही बिजली के बढ़ते हुए बिलों को लेकर मंत्री ने कहा कि जो पुराने बिल हैं जिन्हें कोरोना काल में फ्रीज किया गया था उस पर एक मुश्त जमा करने पर 40% की छूट दी जा रही है। साथ ही प्रदेश में शराब नीति को लेकर मंत्री ने कहा कि शराबबंदी समाज का उत्तरदायित्व है, लोग स्वयं शराब पीना बंद कर दें। मंत्री ने कहा कि शराब नीति में एक भी नई दुकान नहीं खोली जा रही है। हमारे अधिकारियों को संज्ञान में लाए जाएं, उनमें तत्काल सुधार किया जाएगा। लॉकडाउन के बचे हुए जो बिल है उसी को वापस से रिटर्न कर दिया गया। क्या जो लॉकडाउन के जो बचे हुए थे ना उपभोक्ता? नहीं, उपभोक्ता देखिए, जो पुराने बिल थे वो पुराने बिल हमने फ्रीज किए थे। कोरोना काल में लोग परेशान थे, उन बिलों को फ्रीज किया था। उन बिलों को जो सामान परिस्थिति बनी तो हमने उन पर 40% एक मुश्त जमा करने पर छूट दी है और सरचार्ज में छूट दी है। ये आपको हम बताना चाहते हैं, ये हमारी सरकार है जो गरीबों के बारे में सोचती है। शराब नीति को लेकर लगातार अलग अलग बयान आ रहे हैं। देखिए, शराब नीति में हमारा बिल्कुल मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने एक भी दुकान बढ़ने की बात नहीं की है। ये एक संदेश है और ये समाज का दायित्व है, हम लोगों का दायित्व कर्तव्य है कि हम शराब पीना बंद कर दें। देखने में लेकिन एक और दीदी जहाँ शराबबंदी को लेकर लठ लेकर प्रदेश में उतरने की बात कर रही थी, दूसरी ओर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री ने इस तरह से योजना बनाई, तो क्या देखते हैं क्या बीजेपी में ही कुछ बीजेपी में कुछ नहीं है, सब अच्छा है। है क्या उनसे पहले पूछ तो लो, सुना रहा है क्या अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने सामान कबाड़ में कबाड़ में बेच दिया। आप मेरे संज्ञान में लाए उसको मैं देख पाऊंगा।